हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला कुछ यूजफुल वेबसाइट्स के बारे में और जो आपके बहुत काम आ सकती हैं और उसमें बहुत आसानी से अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको आ जाना है ब्राउजर पर। आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। मैं अभी ब्राउजर क्रोम यूज कर रहा हूँ। आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल से यूज करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सेम वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहली वेबसाइट है autodraw.com। ये एक कमाल की वेबसाइट है। अगर आप पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, पेंट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत आसानी से बनता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑटोड्रा पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी टास्क परफॉर्म करता हूँ तो ये गेस करके ही अपने आप ऊपर दे देता है वहाँ से सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे स्टार बनाऊँ, ऐसे ही आपको रैंडम स्टार बनाना है तो, लेकिन जैसे ही आप स्टार बनाएंगे वो अपने आप ही गेस करके यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर बहुत औसम तरीके से इतने सारे शेप बना के दे दिया। मुझे तो बहुत पसंद आया। आप इसको यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जैसे अभी बना के दिया, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया। या मैं इस पर क्लिक करूंगा ये बन जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा ये बन जाएगा। मतलब इतना awesome है ना, आप इसको यूज करने में बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद आप सेकंड आते हैं, यहाँ पे टेक्सचर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ सब्सक्राइब, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और नीचे आता है उसके बाद फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके फिल कर सकते हैं। मैं अभी फिल नहीं करना चाहता, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेप बना सकते हैं। शेप पर क्लिक करेंगे, जो भी शेप क्रिएट करेंगे वो अपने आप बन जाएगा। और अगर यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे दूसरा शेप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी कंप्लीट पेंटिंग कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी ऑसम। आप इसको यूज कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। जैसे आपकी पूरी वेबसाइट, आपकी पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो यू हैव टू क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड मेन्यू बार और उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने इतना पेंटिंग किया तो मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ, इस पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा लेफ्ट में जाके वो डाउनलोड हो जाएगा। मोबाइल पर भी थोड़ा अलग इंटरफेस होगा तो वो मेन्यू बार में आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे इमेज डाउनलोड हो गई, मैं अगर इसको ओपन करके दिखाऊं तो मेरी पेंटिंग आएगी। वाओ, देख रहे हैं, मैंने जस्ट कुछ सेकंडों में ही इतनी मस्त पेंटिंग बना दूंगा अगर आपको इसको यूज करना ढंग से आ गया तो। दैट इज वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सारे टूल्स को यूज करना है बहुत आसानी से और बहुत ईजी है। इसमें बहुत कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। और सेकेंड वेबसाइट है, ये है cleanup.pictures। सपोज आप, मैंने कोई पिक्चर क्लिक करी, पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो मुझे रिमूव, मैं उसे रिमूव करना चाहता हूँ, तो अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप उसको कर सकते हैं या मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे फिर उससे रिमूव करेंगे। उससे अच्छा है कि आप इस वेबसाइट पर जाएं और वहां पर अपनी फ़ोटो अपलोड करें और सिर्फ सेलेक्ट करें, वो अपने आप रिमूव कर देगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे आप यहां पे आएंगे और क्लिक हियर टू ड्रैग एन इमेज, मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक इमेज अपलोड कर लूंगा। जैसे मान लो मैं कौन सा यही वाला ले लेता हूँ, यही वाला एक इमेज ले लेता हूँ। इसमें पीछे सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो MCV बॉक्स है ये ना दिखे, तो मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू विद SD करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और ये जो हमारा येलो कलर का कर्सर दिख रहा है इसको आप जितना रिमूव करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लें। ये जस्ट कुछ सेकेंड में बहुत ही ऑसम तरीके से उसको इरेज कर देगा। तुम्हें आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर कुछ था भी। ये देखिए बहुत आसानी से रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ID कार्ड यहाँ पर दिख रहा है इसको मैंने मुझे नहीं चाहिए, इस पर सेलेक्ट करें, यहाँ से ड्रैग करें और उसको ड्रैग कर दें। ये कुछ सेकंडों में ऐसा रिमूव कर देगा उस ऑब्जेक्ट को, आपको आइडिया भी नहीं होगा वहाँ पे कुछ था भी। तो आप इस तरह से इन दोनों वेबसाइट का बहुत ही ऑसम तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा वायर भी हटा दूँ, इसको सेलेक्ट करके वायर हटा देता हूँ। ये लेट मी सेलेक्ट ऑल द वायर्स एंड आई डोंट वॉन्ट इट। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए बहुत आसानी से रिमूव कर दिया। और इस तरह से आप ऑब्जेक्ट रिमूव करने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की वेबसाइट बहुत काम आ सकती है। आप मोबाइल से भी अपना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मैंने अभी यहाँ पर रिमूव किया, इसको डाउनलोड करके दिखा दिया हूँ। वो ये देखिए बहुत आसानी से रिमूव कर दिया। आपको कुछ आइडिया भी नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ था। तो इस तरह से आप इन दोनों वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। ये यूजफुल वेबसाइट का पार्ट वन था, पार्ट सेकेंड आएगा इसके बाद। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ और बहुत ही ऑसम वीडियो होती है जो आपको आपके नॉलेज में इन्हेंस, जो आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।